जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, एक साल कल हो जाएगा 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं, और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं, बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल-कुद्दुस शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल-कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को, 40,000 से ज्यादा को, जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं, एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है, उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो, ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये मसला मुसलमानों का मसला है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, ये इंसाफ का मसला है, ये इनकी खुद मुख्तारी का मसला है, ये इनकी मुमलिकत, उनकी जमीन का भी मसला है।